दोस्तों नमस्कार, संदीप शर्मा आप लोगों के साथ एक बार फिर से YouTube चैनल टेक्नो विद फ्रेंड्स पर। कैसे हैं मित्रों, आशा बहुत अच्छे होंगे। सुबह का समय, ठंडी ठंडी हवा और आप देख रहे हैं हमारा वीडियो टेक्नो विद फ्रेंड्स YouTube चैनल पर। इमेजिंग और नई जानकारियाँ सबसे पहले टेक्नो विद फ्रेंड्स ऐप यूट्यूब चैनल पर। हम आपको वो जानकारियाँ ला कर देते हैं जो आपके काम की है, जो आपके दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली है। इसके अलावा हमारे जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब वाली, वो पूरी प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें। हमने होम पेज पर सारी प्लेलिस्ट रख दी है और कुछ प्लेलिस्ट और है जो प्लेलिस्ट टैब में जाकर आप देख सकते हैं। आपके लिए iOS की प्लेलिस्ट, मैक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट, विंडोज़ कंप्यूटर की प्लेलिस्ट, ऑनलाइन क्लासेस प्लेलिस्ट, मोबाइल ट्रेनिंग प्लेलिस्ट, इसके अलावा म्यूज़िक सीरीज़ प्लेलिस्ट, रिव्यू और अनबॉक्सिंग की प्लेलिस्ट, बहुत सारी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए है। टॉकबैक से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर हैं। टॉकबैक से संबंधित कमेंट्री स्क्रीन रीडर के भी आपको वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आईफोन से संबंधित भी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाए। सभी कुछ हमारे इकलौते चैनल टेक्नो विद फ्रेंड्स पर, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के वीडियो की बात करें, सबसे पहले टॉकबैक को ऑन करेंगे। टॉकबैक हमारा ऑन हो चुका है, अब हम बात करेंगे आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो की बात करें तो हम बात करेंगे गूगल जेमिनी की। गूगल जेमिनी, गूगल बार्ड के विषय में आप अच्छे से जानते हैं। गूगल बार्ड पर मैंने बहुत पहले से वीडियो बना रखी है, तो आपने वो देखी नहीं है तो आप ज़रूर देखिए वो, तो किस तरह से गूगल बार्ड काम करता है। तो उसका नया रूप जेमिनी हमारे सामने आ गया है। जेमिनी ऐप जो है बहुत ही अच्छी ऐप है और इससे आप काफ़ी सारे काम करवा सकते हैं। ये देखिए, 4.3 स्टार का है इसका एवरेज रेटिंग और ये गूगल जेमिनी ओपन। अब जैसे आप इसको यूज़ करते हैं तो ये गूगल असिस्टेंट को रिप्लेस कर देता है, ठीक है ना। पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, रिप्लेस करने के बाद जो गूगल असिस्टेंट काम करता है वही ये काम करता है। आप चाहें तो इसे रिप्लेस करा सकते हैं या फिर आप इसे अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। ओपन करते हैं, ये गूगल जेमिनी ऐप ओपन हो गया। बेस्ट फ्रेंड को जन्मदिन पर कैसे खुश करूं, इसके कुछ जबरदस्त आइडिया दो। देखिए इसमें खूब सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। पॉडकास्ट की टैगलाइन का कुछ हिस्सा मैंने लिख दिया है, पूरा लिखने में मेरी मदद करो। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, ईमेल भी लिख सकते हो। मैंने एक बार लिख कर दिखाई आपको, इसमें ज्यादा कुछ वो देखो जो पहले की चीजें मैंने सारी बताई हुई है, तो उस पर अगर समय खराब करेंगे तो कोई मजे वाली बात नहीं है। आप खुद कर सकते हो सब कुछ, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हाल की बातचीत हमने जो बातचीत की है, पंजाबी में एक गीत सुनाओ। अगर मैंने इसको कहा पंजाबी में एक गीत सुनाओ तो YouTube खोल देगा, ये मतलब बता देगा कि आप यहाँ से कुछ नए पंजाबी गीत सुन सकते हैं। इसके अलावा टाइप करें, बोले या फोटो शेयर करें। यहाँ टाइप कर सकते हो, बोल सकते हो या फोटो भी शेयर कर सकते हो। मतलब कोई फोटो आपके पास है उसे शेयर करो, उसका डिस्क्रिप्शन भी ये बताती है। इसके अलावा माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन का बटन है, आप इसे बोल कर कुछ भी पूछ सकते हैं। इमेज स्पीकर, और ये इमेज स्पीकर आपके अपने फोन से कोई भी इमेज उठाएं और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। इसके अलावा गुड इवनिंग लिखा हुआ है, बेस्ट फ्रेंड को जन्मदिन, ऑफिस मीटिंग सुझाव छिपाएं। देखिए ऑफिस मीटिंग के साथ कौन कौन से गेम खेले जा सकते हैं, ऑफिस मीटिंग के साथ कौन कौन से गेम खेले जा सकते हैं, मतलब टिप है। सुझाव छिपाएं, तो इस पे क्लिक कर दोगे तो सुझाव छिप जाएंगे, ठीक है। पंजाबी में एक गीत, अब देखिए हाल की बातचीत है और इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। थोड़ा इसको इधर करते हैं। ये अपने अकाउंट जो है हमारा एसके नेटवर्क का, उस पर हमने लॉगिन कर रखा है। इस पे ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। देखिए खाता और सेटिंग पर की गई गतिविधि, जेमिनी ऐप पर हमने जो गतिविधियाँ की है वो यहाँ से दिखाई देगी। एक्सटेंशन भी आप इसके कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेट अगर इसको करना चाहें तो निजता सहायता अगर आपको कोई सहायता चाहिए। सेटिंग सुझाव राय दे या शिकायत करें। सेटिंग देख लेते हैं, सेटिंग में क्या क्या है। देखिए आपके सार्वजनिक लिंक, यह कंट्रोल करें कि आपकी चैट और जवाब कैसे शेयर किए जाएं। ठीक है, भाषाएं से बातचीत करने के लिए भाषाएं आप चेंज कर सकते हैं। कौन कौन सी भाषाएं हम देखें, टाइम लगेगा। अच्छा खुल गया, हिंदी है। ऐड ए लैंग्वेज, आप लैंग्वेज ऐड भी कर सकते हैं, इस पे क्लिक करोगे ना। English, Canada, English, India. हम इंग्लिश इंडिया ऐड कर लेते हैं इसमें। ये इंग्लिश इंडिया ऐड हो गई हमारी। अच्छा ये बेटा में है अभी, ये लर्न कर रहा है अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश इंडिया आ गया हमारे पास, और भी हम और भी ऐड कर सकते हैं लैंग्वेज करना चाहें तो, ठीक है ना। तो चलिए इसको बैक कर देते हैं। और स्क्रीन पर दिखने वाला कंटेंट,
को स्क्रीन पर दिख रही जानकारी रिकॉर्ड करने की अनुमति दे। हाँ, ये भी ऑप्शन है इसमें, आप स्क्रीन पे दिख रही जानकारी को आप जेमिनी रिकॉर्ड कर सकता है, ये भी कर सकते हो करना चाहो तो रिकॉर्डिंग के लिए। स्क्रीन पर दिखने वाला कंटेंट जेमिनी को स्क्रीन इसको खोल के देखते क्या इसका मतलब क्या है। अच्छा, होम पर होम का बटन जब आप प्रेस करें तो कौन सी ऐप यहाँ पर चालू होती है? यहाँ पर डिवाइस असिस्टेंट ऐप गूगल, डिवाइस असिस्टेंट ऐप गूगल है। एनालाइज ऑन स्क्रीन टेक्स्ट अलाउ द डिवाइस और एनालाइज ऑन स्क्रीन इमेजेस अलाउ द डिवाइस असिस्टेंट ऐप टू टेक एंड यूज इमेजेस ऑफ द स्क्रीन ऑन स्क्रीन की इमेज यूज करने के लिए ऑप्शन फ्लैश स्क्रीन फ्लैश द एजेस ऑफ द स्क्रीन टू लेट यू नो व्हेन द डिवाइस असिस्टेंट ऐप बैक वाइब्रेशन वाइब्रेट व्हेन द डिवाइस वाइब्रेशन का भी ऑप्शन है इसमें, ये छोड़ दीजिए, ये आपकी मर्जी है। मैं मौजूद हूं गूगल असिस्टेंट इस सुविधा गूगल असिस्टेंट की तरह जेमिनी से बोलकर अलग-अलग तरह के काम कराए, ठीक है ना? जेमिल नहीं, मैं आप अलग अलग तरह के काम करा सकते हैं। देखिए सुन लीजिए, मैं मौजूद गूगल असिस्टेंट इस सुविधा गूगल असिस्टेंट की तरह जेमिनी से बोलकर अलग अलग तरह के काम कराए, दिखाते हैं आपको कैसे गूगल असिस्टेंट की तरह जेमिनी से भी बोलकर अलग अलग तरह के काम कराए जाए। ओके गूगल और वॉइस मैच गूगल असिस्टेंट की तरह जेमिनी असिस्टेंट को चालू करने का तरीका बेहतर बनाने में मदद करें, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट और इमेज सेव करें ताकि Google जैसे एक्टिवेशन टेक्नोलॉजी में आगे चलकर और सुधार हो सके। निजी खोज नतीजे खास आपके लिए तैयार किए गए सुझाव और जानकारी पाएं। लॉक स्क्रीन स्क्रीन लॉक होने पर अलार्म सेट करने या टाइमर लगाने। होम कंट्रोल अपने होम डिवाइसों के लिए सेवाएं मैनेज करें। ब्रॉडकास्ट करें अपने फैमिली ग्रुप में ऑडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट करें। अच्छा, ये भी इसमें किया जा सकता है, अपने ग्रुप आपका जो फैमिली ग्रुप है उसमें ऑडियो ब्रॉडकास्ट कर सकते हो आप। आपके डिवाइसों से ली गई एप्लीकेशन की जानकारी इस सेटिंग को चालू करने पर साइन इन किए हुए डिवाइसों पर मौजूद इंस्टॉल किए हुए एप्लीकेशन की जानकारी सेव होती है, इससे इन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। ये कुछ ऑप्शन है, चलिए क्रोम खोल लीजिए, बैक कर लेते हैं और कुछ प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मैं माइक्रोफोन से ही प्रयोग करूंगा क्योंकि इतना समय नहीं है कि डिटेल देखते हैं माइक्रोफोन काम करता है क्या स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ। माइक्रोफोन काम नहीं करता लेकिन अभी देख लेते हैं। हाँ, कुछ भी पूछ सकते हैं अपन इसे, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछोगे आपका जवाब दे आपको जवाब देगा। और माइक्रोफोन आज आपको क्या करना है? रात को सोने से पहले का अलार्म लगाओ 11 बजे का। All right. Okay. SK Networks on the Sharma 945. Clock. Radio. Clock. Clock खोल देते। Google. Okay. SK Networks on the Sharma 945@gmail.com. Get और पर साइन इन किया है। खाता और सेटिंग टाइप करें, बोले या फोटो शेयर करें। IPL 2024 पंजाबी में एक गीत सुना। तो हमने इसको कह दिया अलार्म, शायद इसने लगा दिया है मुझे लगता है। टाइप करें, बोले या फोटो देख लेंगे, वो तो अपन चेक कर लेंगे। गुड इवनिंग और सभी सुझाव दिखाएं इसमें सुझाव देखे थे वही है। चलिए इसको गुड इवनिंग, अब अपन चेक करेंगे क्या अलार्म लगा दिया किसने, सब छोड़ो इसको है ना, चेक करने में आपको पता लगना चाहिए। इसने बोल तो दिया था ओके, लेकिन क्या लगाया है कि नहीं लगाया इसको कैसे पता लगेगा? हम पीछे चलते हैं, क्लॉक होगी ना, मेंबर्स स्टोर फेसबुक गैलरी कैमरा ये देखिए, बिल्कुल अलार्म 2 hours 46 seconds का लगा दिया है रात का ये, क्योंकि वीडियो तो अब बन रहा है रात को, आपको सुबह दिखाई देगा, ठीक है ना? तो देखिए अलार्म भी लगा दिया, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ये मैंने आपको एक नॉर्मल प्रयोग करके दिखाया है, AI असिस्टेंट की तरह बार्ड गूगल बार्ड की तरह ही है वो, उसका उत्कृष्ट रूप है, मतलब कि इसका अपडेटेड रूप है, तो आप इसे बहुत सारे काम करवा सकते हैं। ठीक है, और इसका जेमिनी का लिंक आपको प्ले स्टोर का हम दे देंगे। ये अलार्म बता रहा है तो रात को 11 बजे अलार्म बजेगा और अब अपन इसको कहते हैं 11 बजे वाला अलार्म कैंसिल कर दो। बात करते हैं जेमिनी से, होम बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे। अभी कीबोर्ड है और ये इमेज पिकर, इमेज कीपर, माइक्रोफोन, बीचों बीच माइक्रोफोन का बटन है, इसको मना कर देते हैं अपन ना। आज आपको क्या करना है? देखिए हमें तो बहुत कुछ करना है। खैर माइक्रोफोन अभी जो रात को 11 बजे का अलार्म लगाया था उसे बंद कर दो।
बातचीत की सूची लिस्ट Gemini. लोगों या अन्य चीजों के बारे में गलत जानकारी दिखा सकता है, इसलिए क्षमा करें, मैं अभी भी सीख रहा हूं कि किसी डिवाइस पर कार्रवाई कैसे करें, जैसे कि अलार्म सेट करना या बंद करना। अभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि माइक्रोफोन पर अलार्म कैसे बंद किया जाता है। 1. अपने फोन पर घड़ी ऐप खोलें। 2. अलार्म टैब पर टैप करें। 3. आप जिस अलार्म को बंद करना चाहते हैं उसे ढूंढें और उस पर टैप करें। 4. बंद करें बटन पर टैप करें। आप गूगल असिस्टेंट का उपयोग करके भी माइक्रोफोन पर अलार्म बंद कर सकते हैं। बस कहें ओके गूगल, अलार्म बंद करो। क्षमा करें, मैं अभी भी सीख रहा हूं कि किसी डिवाइस पर कार्यवाही कैसे करें, जैसे कि अलार्म सेट करना या बंद करना। अभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है ना, इसमें पूरी जानकारी दी है। लोगों या अन्य चीजों के बारे में, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि माइक्रोफोन पर अलार्म कैसे बंद किया जाता है। कैसे बंद किया जाता है? जिस अलार्म को बंद करना चाहते हैं उसे ढूंढें और उस पर टैप करें। बंद करें बटन पर टैप करें। आप गूगल असिस्टेंट का उपयोग करके भी माइक्रोफोन पर अलार्म बंद कर सकते हैं। बस कहें ओके गूगल, अलार्म बंद करो। अच्छा, वाओ, ये भी किया जा सकता है। ओके गूगल, अलार्म बंद करो। अच्छा, वो गूगल से किया जा सकता है। इसने शायद अलार्म चालू कर दिया लेकिन बंद नहीं कर पाया है। चलो, हो सकता है कोई बने देख लेते हैं। ये खुद ही कह रहा है कि कमी है इसमें थोड़ा। Alarm at 2 hours 43 minutes. नहीं, बंद नहीं हुआ है ना, इसको बंद करना पड़ेगा अपन को। Add alarm button. More options. 12 a.m. 6 a.m. every day on. 6 a.m. every world clock. 5 p.m. wet. Zone C pale. 11 p.m. Tuesday. सोने April से पहले अलार्म लगाई दिया इसने। On. Zone C pale. On. Off. Off कर दिया मैंने यहाँ से। और क्या करें? सोने से पहले मैंने बोला इसको। Answer. Double tap the answer button. All. Pause button. Pause. तो इस तरह से आप जेमिनी का उपयोग कर सकते हैं। आप खुद अपने अपने प्रयोग कीजिए, मैंने आपको एक उदाहरण बताया। और जेमिनी गलत जानकारी दे सकता है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, अभी भी बता रहा हूँ। जेमिनी पर भरोसा नहीं करें बिल्कुल भी, ये गलत जानकारी। जैसे चैट जीपीटी, देखो ये मशीनें हैं, मशीनें गलत जानकारी भी दे सकती है, तो हमें इस पर पूरा विश्वास करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने विवेक से काम लें और अच्छी जानकारी खोजें, इनका दुरुपयोग न करें, क्योंकि ये चीज़ें मशीनरी है, इनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन हमें इनका सदुपयोग करना है और अच्छी चीज़ें सीखनी है। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो, इसके अलावा आप विशेष प्रकार की लैंग्वेज के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बहुत अच्छा, जैसे हम इसे पूछे तो कीबोर्ड, इमेज पिकर, माइक्रोफोन, क्या तुम मेरे लिए जावा लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो? देखिए, मैंने इससे पूछा कि तुम मेरे लिए जावा लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो, तो देखिए हाँ, मैं आपके लिए जावा लैंग्वेज में कोडिंग कर सकती हूँ। सरल प्रोग्राम लिखना, मैं आपके लिए जावा में छोटे छोटे प्रोग्राम लिख सकती हूँ, जैसे कि गणितीय गणनाएं करना, डेटों को छांटना या स्ट्रिंग्स को बदलना। सरल प्रोग्राम लिख, एल्गोरिदम को समझाना, मैं आपको जावा में लिखे गए किसी भी एल्गोरिदम को समझने में मदद कर सकती हूँ। कोड को डीबग करना, यदि आपको अपने जावा कोड में कोई त्रुटि हो रही है तो मैं आपको इसे डीबग करने में मदद कर सकती हूँ। लेकिन यदि आप जावा में कोडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको निम्नलिखित संसाधनों का उपयोग करने की सलाह देती हूँ। Java programming language, URL Java programming language. Java programming language. URL ठीक है ना, मैंने ऐसे ही पूछा तो इसने बताया कि हाँ बिल्कुल ये सहायता कर सकती है। लेकिन incoming call plus 917 pause but pause. तो इस तरह से ये एप्लीकेशन काम करती है, गूगल जेमिनी। आशा है आप इसके विषय में जान गए होंगे और खुद प्रयोग कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया। MS, answer, double tap the answer button, call 14 0 4 4 stop button.